मिलाप का किताब 3:27 पद। पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना भला है। इंग्लिश में पढ़ दीजिए। It is good for a man. That he bear the yoke in his youth. पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना क्या है? असल है बोल के प्रभु ने यह में कहा। और हम ये जुआ के विषय में कल सुबह से प्रभु को दासु की द्वारा विभिन्न वचन हम देखते आया। शुरू में हम लोग देख रहा था जुआ किसको दिखाता है, एक सब्जेक्शन को दिखाता है बोल के हम लोग नोट किया, मैंने भी नोट किया, ठीक है नहीं? सब्जेक्शन, हाँ, क्योंकि सच मुझ भी ये जुआ यो क्या होता है, एक गला में ऐसा लगाया जाता है ना, एक गुरु का गला में ऐसा गर्दन में लगाया जाता है और दो गुरु होता है उसको बीच में लगाया जाता है, उसके द्वारा वो क्या करता है, खंजत कर सकता है। इसलिए प्रभु दास के द्वारा हम लोग सुबह में कल सुबह का मॉर्निंग बाइबल स्टडी में देखा कि जुआ किसको दिखाता है, एक अधीनता सब्जेक्शन बोल के दिखाया, ठीक है नहीं? इस कारण इसके विषय में हम लोग बहुत वचन सुन चुका है। और दूसरा प्रभु के दास थे हम लोग, फिर दिन में हम लोग देखा कि ये जुआ किसको दिखाता है बोलने से, प्रभु के दास के द्वारा हम देखा कि ये जुआ एक दुख को दिखाता है बोल के हम देखा, है कि नहीं? सफरिंग बोल के हम लोग देखा है विषय में। हाँ, ऐसा तो प्रभु का वचन एक मिस्ट्री है, एक रहस्य पूर्ण है कि नहीं? प्रभु का वचन एक ही वचन से कभी भी खत्म नहीं होगा। ये नहीं है कि प्रभु के दास से हम लोग एक वचन सुन लिया, हाँ यही है, वो नहीं, वो भी है, कोई प्रभु का दास दूसरा वचन देगा वो भी है, क्योंकि भी प्रभु वचन में इफिसी की किताब में लिखा हुआ है अनसर्चेबल, खोजे ना सकने धन बोल के लिखा हुआ है, कभी भी खत्म नहीं होता है, निकलते रहता है, निकल एक ही थीम से, हाँ हम लोग का जिंदगी चला जाएगा संचार हम लोग, लेकिन ये थीम से क्या निकलते रहेगा, प्रभु का मिस्ट्री, प्रभु का रहस्य, प्रभु का मिठासपूर्ण वचन निकलते रहेगा, लेकिन इस कारण कल सुबह हम लोग देखा एक सब्जेक्शन। इसलिए हम लोग यूथ लोग, हम जितना भी जवान लोग, आज मैं जवान के विषय में ज़्यादा फोकस करना मैं चाहता हूँ, हम जितना जवान लोग हैं हम लोग क्या होना है, सब्जेक्शन में रहना है, अधीनता में रहना है। दया करके पढ़ दीजिए बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 13:7। Remember them which have ruled over you, you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. पढ़े हिंदी में। जो तुम्हारे अगुए थे, हाँ, और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है उन्हें स्मरण रखो, और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देख कर, हाँ, उनके विश्वास का अनुकरण करो। Remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God. यहाँ में क्या बोलता है, स्मरण करो ना। और यहाँ पढ़िए 17 को पढ़िए, 17:17। अपने अगुओं की, हाँ, आज्ञा मानो, बस उतना ही, हाँ उतना ही है ना। इंग्लिश से पढ़ दीजिए वो भाग को। Obey them. Have the rule over you. और आगे बस सबमिट, यस, ओबे देम दैट हैव द रूल ओवर यू एंड सबमिट देम, देखो तो, ठीक है नहीं? इस कारण हमारा अगुआ ना मंडली में अगुआ लोग, दीदी बहन का सेवा में अगुआ करने वाला दो शिष्य लोग है, उन काम क्या करना चाहिए, याद करना चाहिए, उसको अधीनता में हम लोग रहना चाहिए। ब्रदर्स गैदरिंग गीत करने वाला जो भाई लोग है उसका अधीनता में रह के हम लोग सेवा करना है जवान लोग, और मंडली में जो रिस्पॉन्सिबल ब्रदर्स लोग को रखा है, जिम्मेवारी को रखा है, उसका अधीनता में रह के आज क्या करना है, सेवा करना है। इसलिए ये योग जुआ पहली बात अधीनता के विषय में प्रभु दास हम लोग ने देखा है कि नहीं? और दूसरा हम लोग देखा क्रू क्या बोलता है, दुख है कि नहीं? दुख के विषय में प्रभु दास की द्वारा हम लोग काल में वचन सुना, कितने भाई के जीवन से हम लोग टेस्टिमनी भी हम सुना, नेपाल में जाति विषय में कैसा कैसा दुख उठाया,
इससे इस कारण दूसरी बात क्या है, दुख। इसे देखिए अभी क्या है, लाइन नहीं है, है कि नहीं, हम लोग का पसीना छूट रहा है। लेकिन मैं क्या, मुझे कैसा लगता है बोलने से, अपना अपना अनुभव है, मुझे कभी भी गर्म फील नहीं होता है, हाँ बाहर में फील होता है, लेकिन मुझे खुशी क्यों प्रभु में मैं खुशी हूँ बोलने से, प्रभु ने आज आप हम लोग को वो दूसरे मृत्यु से अग्नि कुंडक से प्रभु ने क्या किया, प्रभु ने बचाया। वो ऐसा आँख है जो जलते रहेगा, और उधर जो कीड़ा है वो भी कभी नहीं मरे, दूसरे मृत्यु उधर से प्रभु ने आप हम लोग को बचाया। देखिए तो वो तो इटर्निटी टू इटर्निटी, अनंता से लेके अनंता तक के लिए, आज अभी थोड़े समय के लिए क्या आज गर्मी बोल के हम लोग वो करेंगे, देखिए है कि नहीं। इसलिए हिब्रू का किताब में एक बात एक जगह में लिखा हुआ है, आइए तो बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 13 सॉरी हिब्रू का किताब 11 अध्याय, हिब्रू का किताब 11 अध्याय का यहाँ में सफरिंग का बात लिखा हुआ है। हाँ अच्छा पढ़िए 25 पदों को 25। इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। हाँ है, यह बोलता है थोड़े समय संसार में पाप भोगने से बेहतर प्रभु का जन का साथ में क्या करना है, असल बोल के बोला जवान भाई लोग बोलिए, मैं लोग बोलिए दुख। इसका ये दुख है कि नहीं बोले तो, अभी भी कोई ब्रदर्स लोग है सिस्टर लोग है इतने घर में क्या बैठेंगे बोल के, कमरा में बैठ रहा है मोबाइल खेल रहा है बाहर पर घूम रहा है, कि प्रभु का आवाज आपकी आपके कानों में प्रभु का आवाज आ रहा है कि नहीं। थोड़े समय सुख की है कि नहीं, ये वर्ष को कभी भी नहीं भूलना है आपको, याद करना है, क्योंकि प्रभु का वचन से हम लोग को क्या देता है, आनंद देता है खुशी देता है, ये बात है। हाँ इसलिए हम लोग दूसरी बात प्रभु के द्वास के द्वारा क्या हम लोग देख रहा था, हाँ कि दुख ये योग जुआ है, ये योग है, ये किसको दिखाता है, दुख दिखाता है बोल के इसका विषय में हम लोग विभिन्न वचन हम लोग देख लिया। और तीसरे विषय आज मैं देखने जा रहा हूँ है कि नहीं, ऐसा तो अपना अपना एक वो है प्रकाश है। मैं प्रभु को प्रार्थना किया, प्रभु के दास ने बोला वचन के लिए, और प्रभु को प्रार्थना किया, थीम तो पढ़ना ही पड़ेगा है कि नहीं, तो मैं घुटने में आया मैंने पढ़ा। हाँ तो प्रभु ने हमको क्या दिखाया बोलने से, तीसरी बात ये जो युग है, हाँ जो जुआ है, ये किस चीज़ को दिखाता है बोलने से, प्रभु ने हमको दिखाया आत्मा में, ये क्या है, मिनिस्ट्री है सेवा, और दूसरा भाषा में हम इसको बोल सकता है गिफ्ट, दान और सेवा प्रभु ने दिया। इस कारण यहां बोलता है कि इट इज गुड ऑफ आर फॉर अ मैन, पुरुष के लिए, इसलिए पुरुष का मतलब सिर्फ मर्द कर सिर्फ ने ना, कि औरत के लिए भी, बॉयज के लिए सिर्फ ने, गर्ल्स के लिए भी, हम सबों के लिए है। हाँ ये आत्मिक भाषा है, दैट ही बियर द योग इन हिज, वो अपना जवान में क्या उठाए, क्या उठाए बोला, जुआ उठाए। इसलिए जुआ किसको दिखाता है, आज का टॉपिक क्या है बोलिए तो, क्या बोला मैंने भूल गया, सेवा मिनिस्ट्री अथवा गिफ्ट है कि नहीं, दान। हाँ उसका विषय में हम कुछ देखेंगे, और दूसरा भी आए है कि नहीं, प्रभु का आत्मा के द्वारा जहाँ जहाँ अगुवा करेंगे हम देखेंगे, ताकि हम लोग यहाँ में बैठा हुआ कुछ प्रभु का आशीष हम प्राप्त करें। और कल शाम को फैमिली प्रेयर में प्रभु के दास के द्वारा हम लोग एक बात देख रहा था, वो क्या है, योग का विषय में, WOYOKE योग का विषय में फुल फॉर्म देख रहा था है कि नहीं। कोई किसी को याद है क्या बोला था प्रभु के दास, बोलिए तो हमारा जवान भाई लोग क्या बोल रहा था, कोई भी बोलिए, हाँ यूथ ओवर, हाँ ओके, हमारा यूथ कितना, हाँ वो है कि नहीं, यहाँ से हम लोग कन्फर्म हो गया, आप लोग प्रभु को वचन में ध्यान दिया बोल के, ये प्रभु को दास के द्वारा हम लोग देखा। अभी क्या रह गया,
यूथ बोल के रह गया ना यहाँ में वाई ओ यू टी एच कितना थे अल्फाबेट इसमें बोले ना फाइव है वाई ओ यू टी एच ये पांच सौ से क्या दिखाता है ग्रेस को दिखाता है ये ग्रेस जब भी पांच जब आता है ना ये पांच किस किस को दिखाता है ग्रेस को दिखा अनुग्रह को दिखाता है इस कारण आप हम लोग काम है अभी अनुग्रह का समय में है इस कारण यहाँ में क्या बोलता है पढ़ दीजिए रोमी का किताब छः का एक पद में प्रभु वचन में क्या कहता है रोमन्स चैप्टर सिक्स वर्स सिक्स नो नो सिक्स का एक पद रोमन सिक्स वन What shall we say then? Shall we continue in sin? That grace may abound. Hindi mein? So hum kya kahe? Kya hum paap karte rahe? Ye anugrah bahut ho. Aaj se Prabhu is waqt hum jawan se baat Prabhu kar rahe. Ha? Iska hamare beech mein koi jawan log hai? Prabhu ko grahan karne ke baad bhi बपतिस्मा लेने के बाद में आप लोग जीवन में कुछ लुका से भी सिन लोग पाप लोग है उससे आप लोग मजा ले रहे हैं प्रभु का सेवा भी कर रहा है और वो मजा भी ले रहा है इसलिए प्रभु का दास पॉल रोमी का मंडी में पत्री में पृथ्वी को लिखते समय में कहता है क्या प्रभु अनुग्रह दिया है बोल के पाप करते रहेगा ठीक है नहीं इसलिए पांच फाइव से क्या दिखाता है ग्रेस को दिखाता है नहीं ये अनुग्रह का समय है हाँ ये बात है इसलिए यहाँ में हम लोग वाई ओ यू टी एच हम लोग यहाँ में इसका फुल फॉर्म हम लोग देखेंगे हाँ तो आप लोग जिसका डायरी लिख के आया पेन लेके आया आप लोग लिखिएगा हाँ पहला अल्फाबेट क्या है बोलिए वाई वाई से वाई फॉर वाई स्टैंड फॉर यील्डिंग बोलता है हाँ यील्डिंग और यील्डिंग का अर्थ क्या होता है कोई है क्या है यील्डिंग का मतलब वाई ई आई एल ना वाई आई एल डी आई एन जी यील्डिंग का अर्थ क्या होता है कोई ना किसी किसी को तो मालूम होना चाहिए ना हम लोग गीत भी गाते हैं ना यील नॉट टू द सिंग बोल के गाना जो यील्डिंग का अर्थ क्या होता है यील्डिंग का होता है करीब जाना ठीक है क्या क्या होता है करीब जाना नजीक जाना हाँ ये बात हो गया मैं हिंदी में बता रहा हूँ ना दूसरा बात आ गया अब क्या हो गया दूसरा कौन सा अल्फाबेट है ओ स्टैंड फॉर ओबीडियंस हाँ ओबीडियंस का अर्थ क्या होता है आज्ञाकारी ठीक है इसलिए जुआ प्रभु ने दिया शुरू से ओबीडियंस है कि नहीं हम जवान लोग क्या होना है आज्ञाकारी होना है माँ बाप का ओबीडियंस होना है हाँ बड़ा लोग का ओबीडियंस होना है हाँ बुजुर्ग लोग का क्या होना है ओबीडियंस होना है कि नहीं वो से ओबीडियंस उसके बाद में तीसरा अल्फाबेट क्या क्या है यू से क्या दिखाता है अंडरस्टैंडिंग को दिखाता है यू स्टैंड फॉर अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग का अर्थ क्या होता है हाँ समझना है कि नहीं समझ इसलिए एक जगह में लिखा हुआ आई थी इसके विषय में हम लोग काम ही देखते हैं पहला क्रंथी किताब में ना यहाँ में क्या बोलता है प्रभु का वचन प्रभु का दास पावल क्रंथी के मंडली में चिट्ठी लिखते हुए समय में क्या कहता है अच्छा पहला करंथी किताब चौदह दे फर्स्ट करंथियंस चैप्टर 14 20 पद को पढ़ दीजिए 20 पद 20 हे भाइयो तुम समझ में बालक ना बनो बुराई में तो बालक रहो परंतु समझ में सियानी बनो देखो तो इसका क्या बोलता है समझने में अंडरस्टैंडिंग में बालक मत बनो समझ में बोल के लिखा हुआ है इसलिए अंडरस्टैंडिंग आज क्या है बहुत जरूरी है कि नहीं इसलिए यू स्टैंड फॉर अंडरस्टैंडिंग उसके बाद में क्या रह गया चौथा अल्फाबेट टी टी स्टैंड फॉर
ट्रूथ, ट्रूथ है कि नहीं? ट्रूथ का अर्थ होता है सत्य, और यह होना 14:6 हमको पाया जाता है ना, मार्ग सत्य और जीवन। मार्ग भी स्वयं प्रभु यीशु मसीह है और सत्य भी प्रभु यीशु मसीह है और जीवन भी प्रभु यीशु है। और एक जगह में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य ही तुमको क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। वो कहाँ में लिखा है? यूहन्ना 8:32 में, वो भी लिखे हाँ, बुक ऑफ जॉन गॉस्पल 8:32 पढ़ दीजिए कोई भी भाषा में। थैंक यू। और कोई भाषा में, And ye shall know the truth, and the truth shall make you free, स्वतंत्र। ठीक है, तो इस कारण स्वतंत्रता आज किसके द्वारा आज हम होते हैं? केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही स्वतंत्रता हो सकती है। बिना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकते, ठीक है नहीं? इस कारण आज आप और हम लोग बहुत धन्य करें, हम लोग ने जो प्रभु को पाया, जो प्रभु यीशु मसीह को पाया, आज प्रभु यीशु मसीह में क्या है? स्वतंत्रता है, लिबर्टी है कि नहीं? ये बात है। इसलिए टी स्टैंड फॉर ट्रूथ। उसके बाद में अब अंतिम क्या रह गया? एच। एच स्टैंड फॉर ह्यूमिनिटी। ह्यूमिनिटी का मतलब क्या होता है? हाँ, क्या होता है? हाँ बोलिए। हाँ है कि नहीं? ह्यूमिनिटी लिखा ना, इसका अर्थ क्या होता है? इंसानियत और नम्रता, नम्रता को दिखाता है ना, हम्बल भी हम बोल सकते हैं। हाँ, एच स्टैंड फॉर। इस कारण आज हम लोग क्या होना है? नम्र होना है, छोटा होना है कि नहीं? इसलिए ये बात को हम याद करना है, जितना हम लोग छोटा होंगे इतना प्रभु क्या करेगा, हम लोग को ऊपर उठाएगा। बाल में छोटा के विषय में बहुत नमूना हम लोग पाए जाते हैं, है कि नहीं? एक मती में एक वर्ष है, अभी पढ़ दीजिए मती की किताब 5:1। जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हाँ, ब्लेसेड आर द मीक, और दे शॉल इनहेरिट द अर्थ। धन्य है वो नम्र, वही पृथ्वी में क्या करेगा? इसका मंडली में भी, पृथ्वी का अर्थ होता है मंडली। आज मंडली में जो नम्र है, जो दीन है, जो अधीनता में रहता है, जो अपने को छोटा बनाता है, वही राज करेगा। राज मतलब एकदम बोझ करने का बात नहीं, वही सेवा कर सकता है, वही अंत तक स्थिर रह सकता है। ये बात है कि नहीं? आज प्रभु आज नम्र को ढूंढ रहा है, मीक को ढूंढ रहा है, ये बात है। इसलिए यूथ का फुल फॉर्म हम लोग यहाँ में देख लिया। तो आप लोग बताइए क्या क्या है, हम साथ में अब हम यूथ भाई लोग बोलिए। पहला क्या था? दूसरा? ओके। तीसरा? ओके। चौथा? और पांचवा? हाँ, ये बात है कि नहीं? ये हम लोग देख लिया। हाँ, ये भी प्रभु ने हम लोग दिखाए, और काल योग का विषय में तो प्रभु के दास के द्वारा हम लोग ने देख लिया, और योग का अर्थ भी हम लोग काल में दो बात देखा, एक नम्रता एक दुख का विषय में। और हम लोग क्या देख रहे हैं आज? मिनिस्ट्री, सेवा और गिफ्ट, है कि नहीं? यहाँ में आई दूसरा कुरिन्थियों की किताब 4 में, 2 Corinthians 4:1, 2 Corinthians 4:1 को पढ़ दीजिए। जब हम पर ऐसी दया हुई, हाँ? कि हमें ये सेवा मिले तो हम याद नहीं छोड़ते। हाँ, इंग्लिश में therefore, देखिए हम क्या बोलता है, सी क्या बोलता है, सी वी हैव दिस मिनिस्ट्री, और as we have received mercy, we faint not। देखो तो बोलता है, हम लोग ने क्या पाया? एक सेवा पाया, मिनिस्ट्री पाया। प्रभुदास पावल क्रांति को मंडली को लिखते हुए, प्रभु का क्रांति में भी कितने विश्वासी लोग कैसा था? हाँ, कितना कमजोर विश्वासी लोग था। तीन प्रकार, किन तीन तीन कैटेगरी का विश्वासी लोग क्रांति के मंडली में था, जिसको एक बोलता है कार्नियल, हाँ, एक कार्नियल और एक फिजिकल, एक
स्पिरिचुअल बल्कि बोलता है, तीन प्रकार के विश्वास था है कि नहीं। हाँ, फिजिकल का अर्थ का होता है, हाँ वो तो शारीरिक विश्वासी है ना, स्वाभाविक विश्वासी। हाँ, और दूसरा क्या बोलता है, कार्नल, कार्नल का होता है शारीरिक विश्वासी, स्वाभाविक विश्वासी, शारीरिक विश्वासी, और तीसरा कैसा था, स्पिरिचुअल आत्मिक विश्वास। तीन कैटेगरी का विश्वासी था, लेकिन जो स्वाभाविक विश्वासी था, नेचुरल विश्वासी था और कार्नल विश्वासी था, हाँ वो लोग तो प्रभु का सेवा, तो प्रभु ने सेवा तो दिया लेकिन मरमरिंग करके गन गन करके सेवा कर रहा था। लेकिन तीसरा कैटेगरी का विश्वासी जो स्पिरिचुअल, वो लोग चुपचाप मंडली का अध्यनता में रह के अपना का छोटा बनाते हुए ओबीडियंस होके प्रभु का पास में जाकर और क्या कर रहा था, सेवा कर रहा था। इसलिए यह में प्रभु दास कुरंथी का विश्वासी को लिखता है, देखो कुरंथी के विश्वासी लोग प्रभु से हम लोग जो सेवा पाए ना, बोलता है हिम्मत मत हारो, हिम्मत मत हारो, बोल साहसी बना, साहस दे रहा है, एक दूसरे को कंफर्ट दे रहा है, कितनी अच्छी बात ठीक है। तो इस कारण प्रभु ने आज हम लोग को जो सेवा दिया है, हाँ प्रभु के द्वारा हम लोग पाए है, प्रभु ने हम लोग को दिया, इसको हम लोग क्या करना है, फुलफिल करना है। इसलिए यहाँ में एक जगह में लिखा हुआ है, आइए तो तीमुथी किताब में, तीमुथी किताब कहाँ पर है, मैं ढूंढ रहा हूँ, थोड़ा रुकिए, मैं कोई बाइबल स्टडी करके तो नहीं आया, जस्ट थीम को पढ़ा और प्रभु से प्रार्थना किया। अच्छा यह भी आइए तो पहला तेसलिनी किताब चार अध्याय, पहला तेसलिनी, माफ कीजिए तेसलिनी कोलोसियों की किताब, बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 4 वर्स 17 चार अध्याय का 17 पद पढ़ दीजिए, पढ़ दीजिए, मिला? हाँ? कि जो सेवा प्रभु में तुझे सौंपी गई है, हाँ? उसे सावधानी के साथ पूरी करना, पूरा करना। इंग्लिश में से तो आर्किपस, टेक हीट, टेक हीट का अर्थ होता है होशियार, हाँ, टू द मिनिस्ट्री व्हिच थाउ हैज़ रिसीव्ड इन द लॉर्ड, प्रभु के द्वारा तुमने जो भी सेवा पाया है होशियार, और उसको पूरा भी करना, ठीक है। तो इसलिए आर्किपस को विषय लिखा है, इसलिए आर्किपस को जगह में अपना अपना नाम को मेंशन करना, मैंने मेरा नाम लिख के रखा है, जब प्रभु ने सेवा में बुलाया मैंने लिख के रखा है, हे सोलोमन प्रभु के द्वारा तुमने जो सेवा पाया है होशियार ना, होशियार पूरा करना। इसलिए सेवा प्रभु ने दिया, जो सेवा प्रभु ने, जो सेवा आज हम लोग कर रहे हैं दुख में सुख में, वो प्रभु के द्वारा दिया हुआ सेवा है। एक प्रभु के द्वारा देता है, एक मनुष्य के द्वारा देता है, ये भी याद करना है, एक ऊपर के द्वारा, ऊपर से आता है सेवा, लेकिन एक प्रभु की द्वारा दिया हुआ सेवा होता है। इसलिए प्रभु की द्वारा दिया हुआ सेवा आज हम लोग क्या कर सकेंगे, अंतिम सांस तक, अंतिम दौर तक हम उस सेवा क्या करेंगे, पूरा करेंगे। यदि प्रभु की ओर से नहीं है तो हम उसको छोड़ भी देंगे, हो जाएगा बोल के हम, लेकिन जो प्रभु की द्वारा दिया हुआ सेवा है, उसका जीवन में जितना भी आधी आए, जितना तूफान आए, जितना परिस्थिति आए, वो नहीं छोड़ेगा, वो बोलेगा प्रभु ने मुझे दिया हुआ सेवा, आई हैव रिसीव फ्रॉम द लॉर्ड, आई हैव टू फुल इट, मुझे क्या करना है, पूरा करना है। इसलिए ये बात को याद करना है। हाँ, इस कारण यहाँ में हम लोग 2 सक्रिय किताब में
जो पढ़ने के लिए पाया दूसरा कुरिन्थी 4:1 में प्रभु ने जो देवा सेवा प्रभु के द्वारा जो सेवा पाया बोल के लिखा हुआ है। और यह में दूसरी बात की हम क्या बोलता है बोलने से यह में आए तो तीमुथी किताब में मैंने क्या बोला एक सेवा दूसरा गिफ्ट बोल के बोला ना दान। आइए तीमुथी की किताब बुक ऑफ फर्स्ट तीमुथियंस माफ कीजिए सेकंड तीमुथी 1:6 को भी पढ़ दीजिए दूसरा तीमुथी 1:6। इस कारण मैं तुम्हें सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा मुझे तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। इंग्लिश में पढ़ दीजिए Wherefore I put thee in remembrance that thou stir up the gift of God which is in thee by the putting on of my hand। देखो तो गिफ्ट बोल के देखा दान है कि नहीं। इस कारण प्रभु ने आज हम सबको क्या दिया दान दिया है। कितने को बाइबल पढ़ने का दान देता है पढ़ना है लाश नहीं मानना है शर्म नहीं मानना है प्रभु ने दिया हुआ क्या है दान है। कितना हमारे बीच में भाई लोग है बहन लोग है सेवा का समय में बाइबल पढ़ देते हैं। मेरा तो बाइबल पढ़ने का दान नहीं है इसलिए मैं पढ़ता भी नहीं। मेरा मिसेस का दान है पढ़ती है मेरा मिसेस। हमारे बीच में कितना सिस्टर लोग है आप लोग सेवा का समय में बाइबल पढ़ती वो क्या है गिफ्ट है उसको और भी स्टेरअप करना है उसको क्या करना है आगे बढ़ाना है ये दान है। कितना को बाजा बजाना दान है कभी भी नहीं छोड़ना है बाजा बजाना है। कितना का गाना दान है आप गाइए कितने का गाना लिखना दान देता है क्या क्या प्रभु को महिमा के लिए आज हम लोग करना है लेकिन लेकिन सिर्फ प्रभु का महिमा इस सब के द्वारा प्रभु का महिमा है। प्रभु ने जो जो दान दिया किसी को टैक्स वितरण करने का दान हमारा फिल्म अंकल का एक गिफ्ट है काल भी हम सुन रहा था ना सबका दान में होता है कि नहीं। मुझे तो कभी कभी लाश भी हो जाता है कि नहीं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कोई जगह में लेकिन सब जगह में दे नहीं सकता हूँ मेरे पास एनी टाइम मेरा पास में भी है टैक्स लेकिन दे सकता हूँ। प्रभु दास सम्मा अंकल भी बोलता था मेरा भी गिफ्ट नहीं है बोल के ना लेकिन किसी का गिफ्ट है ये फिल्म अंकल का गिफ्ट है टेक्स्ट बुक का देता है क्या गिफ्ट है कि नहीं। किसी का सुसमाचार सुनाना क्या है गिफ्ट है जिसको को मिलता है वो सुनाते रहता है। किसी को पर्सनल कांटेक्ट करने का क्या है किसी को आत्मा बचाने दान होता है ये भी याद करना है। किसी का दान है वो पर्सन सुनाता है घुटने में आ जाता है ग्रहण कर लेता है। कितने का दान नहीं होता जितना ग्रह पर्सन सुनाने से भी ग्रहण नहीं करता है लेकिन हरेश ने खाना है ऐसा मैं प्रभु को दास को भी देखा है। क्या प्रचार करेगा क्या पर्सनल कांटेक्ट करेगा कितना सुनाता है भाजता है नहीं मेरा दान ही नहीं लेकिन मैं कहता हूँ ये प्रभु का आदेश है प्रभु का कमांडमेंट है जाओ सारा संसार में मेरा सुसमाचार सुनो है कि नहीं। हम पाए जाते बाहर में जाओ सारा संसार में है कि नहीं। आज कितने खुशी की बात है गुड फ्राइडे के दिन सारा संसार में प्रभु का लोग प्रभु का मृत्यु सुसमाचार हंसना गले में प्रीचिंग हो रहा है आप हम लोग कितने भागी माने प्रभु आज हमने लिख मारा दूसरे दिन गाड़ा गया तीसरे दिन फिर झूठ क्या युद्ध लोग तैयार है आप लोग प्रभु से मसीह के लिए टेस्टिमनी देने के लिए दूसरा को गवाही देने के लिए आप तैयार है प्रभु आह्वान कर रहे आप लोग हे मेरे भाई लोग हे मेरे बेटे जोर लोग आओ मेरे सुसमाचार सुनाओ कभी भी लाश नहीं करना इसका ही नाम है। इसलिए प्रभु का वचन कहता प्रभु ने हम लोग को जो गिफ्ट दिया उसको क्या करना है चमकाना ठीक है ये बात है। और उसके बाद में हम लोग यहाँ में देखा कि हम लोग का थीम में फिर आइए हम लोग का थीम में पढ़ दीजिए 3:27। It is good for a man that he bear the yoke in his youth। हिंदी में पढ़िए पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना बला है। तो हमें यहाँ में क्या पढ़ा बोलने से पुरुष के लिए अथवा हम जवान भाई बहन जितना भी हम लोग इकट्ठा यहाँ में हुआ है हम सबों के लिए जवानी का अवस्था में जवान में
प्रभु को सेवा करना, प्रभु का दान को चमकाना क्या है, बहुत अच्छा है, प्रभु खुशी होता है तुम मेरा सेवा कर रहे। मैं तुमसे बहुत प्रश्न हूं, तुम अपना गिफ्ट को स्टिरअप कर रहे, मैं बहुत खुशी हूं, प्रभु कहता है। कितनी अच्छी बात है, इसे आज प्रभु का सेवा कर रहे। चाहे आपका कोई अगेंस्ट में हो जाए, आपको विरोध भी क्यों ना करे, आपको खिसी करे, आपको बैक बाइटिंग करे, आपको नाना किस्म का क्या क्या क्यों ना बोले, लेकिन ये काम आप करते रहने, हम लोग करते रहने, प्रभु का सेवा करते रहने, अंतिम सांस रहने, और दान को क्या करना है, समका ये बात है। तो हम लोग यहां में देखेंगे ये सेवा के लिए आज प्रभु क्या कर रहे हैं, हम लोग को, हमारे जवान भाई को, बहन को प्रभु क्या कर रहा है, आओ आह्वान कर रहा है। इसलिए हमने ये पढ़ा ना, आइए योहन्ना की किताब, इसलिए ये योग, ये जुआ आज हम लोग देख रहे हैं, ये जुआ किसको दिखाता है, प्रभु का सेवा को, दान को, बल्कि आज का विषय हम लोग ये देख रहे हैं। इसके लिए प्रभु क्या कर रहा है, हम जवान लोग को प्रभु क्या कर रहा है, जवान लोग को आह्वान कर रहा है, बुला रहे है। पढ़ दीजिए, हम लोग कहाँ से देख रहा था, लुका किताब 9 अध्याय का, पढ़ दीजिए 31 पद को, 31 पद 31 लोग 19:31 यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोदे हो, तो ये कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। इंग्लिश में, एंड इफ एनी मैन आस्क यू व्हाई डू यू लूज हिम, दस शैल यू से अनटू हिम बिकॉज़ द लॉर्ड हैड नीड ऑफ हिम। देखो तो तीस 31 पद का अंतिम भाग में क्या कहता है, बिकॉज द लॉर्ड हैड नीड ऑफ हिम, क्योंकि प्रभु को इसका आवश्यकता है। नेपाली पढ्दिनुहोस्, जसको नेपाली बाइबल छ दय गरेर 31 पदलाई, लुका 19 को 31 पद। यदि कुनै मानिसले किन फुकाउँछौ सोधे भने भन्नु, किन प्रभुलाई यसको खाँचो छ। यसले यहाँमै हाम्रो या युथ गाना न इस बार होली कन्भिक युथ सेवा में जो कालिम्पोङ में आयोजना हुआ ना, तो प्रभु ने हमको भी इस बार गाना दिया, तो मैंने एक गाना युथ सेवा के लिए मैंने प्रभु ने हमको दिया, ये तो प्रभु का ही गाना है, मेरा गाना मैं नहीं कहूँगा। तो ये गाना का बोल है, खाँचो छ खाँचो छ, ख्रिस्टलाई युवा तिम्रो, दी हल ख्रिस्टलाई जीवन तिम्रो, बोल के ये गाना प्रभु ने दिया। ख्रिस्ट को आह्वान छ हे युवा तिमीलाई, उनको पाइलामा हिड्नु छ सधैँलाई, ख्रिस्ट को सेवा गर्नलाई बोलाउँदैछन् तिमीलाई। और दूसरा भर्स में, ख्रिस्टमा पाएको दानलाई चम्काउनु छ, 5 र 2 पाई झै तोडालाई बढाउनु छ, धेरै फल फलाउँदै ख्रिस्टको महिमा गरिरहनु छ। तीसरो भर्समा कहता है, आओ गरो अर्पण यो जीवन ख्रिस्टमा, बढ्नु छ तिमीलाई ख्रिस्टको अनुग्रहमा, रहल जीवन बिताउनु छ प्रार्थना वचन र संगतिमा। इसलिए इसका कोरस ऐसा है, मैं गा के आपको सुनाऊंगा, खाँचो छ खाँचो छ ख्रिस्टलाई युवा तिम्रो, दिहला ख्रिस्टलाई जीवन तिम्रो, खाँचो छ ख्रिस्टलाई युवा तिम्रो, दिहला ख्रिस्टलाई जीवन तिम्रो। इसलिए यो जो अभी हम लोग पढ़ा ना, ये लुका 19:31, इसके आधारित में ये मैंने गीत रचा हुआ था युवा सेवा के लिए, है कि नहीं। इसलिए खाँचो छ तिमीलाई हे युवा, इसलिए यहाँ में एक नमूना हम पाए जाते हैं कि यो गधा को बच्चा, इसको क्या कहता है हिंदी में, मैं मैसेज सुन रहा था, एक साउथ में कोई जगह में क्या हुआ बोलता है, एक डॉक्टर था, और वो डॉक्टर इतना क्रिश्चियन था, इतना अच्छा था, इतना डिसिप्लिन का था, इतना एक प्रभु का बेटा था वो, प्रभु का आज्ञा को इतना पालन करता था,
और सब उसका नाम क्या रख दिया बोलता है, जीजस रख दिया बोलता है, कि क्या, क्योंकि उसका जीवन यीशु का जैसा था, यीशु का जैसा उसका जीवन था। सब कहाँ में जा रहा है, कोई बीमार नहीं भी जीजस का डॉक्टर, जीजस डॉक्टर के पास में जाओ ना बोल के बोला वो, ऐसा उसका लाइफ ही जीजस जैसा था, ऐसा था, है कि नहीं। बाद में वो मर गया बोल के बोलता, जब मर गया उसको दफन दफना दिया, उसके बाद कितने साल के बाद में एक प्रचारक बाहर से आया बोलता है, वो एक गाँव में प्रचार करते करते, और क्या क्या प्रचार कर रहा था बोले तो, यीशु का जीजस का प्रचार कर रहा था ना। तो उस समय में गाँव का आदमी लोग बोला बोलता, अरे जीजस तो मर गया तो, हाँ उसने बोला हाँ मर गया, लेकिन तो तीन दिन बाद फिर जीव उठा, नहीं नहीं जीव नहीं उठा, मर गया कहाँ उठेगा ना। वो लोग तो व्यक्ति का बात कर रहा है ना, वो प्रचारक तो प्रभु यीशु मसीह का बात कर रहा है, जीजस प्रभु, नहीं नहीं मर गया वो, कितना दफना दिया, फिर बोलता नहीं जी उठ गया बोलता, प्रचारक गुस्सा उठ गया बोलता, लेके कवर में गया, ये देखो इधर फोटो में दिखाया। तो लोग बताए तो तब प्रचारक ने बताया बोलता, ओ ऐसा ऐसा है, वो तो क्या है प्रभु यीशु मसीह का जीवन वो नहीं पाया, हाँ बोल के सब बता दिया। बाद में वो लोग भी प्रभु का पानी लगा बोलते, कितनी अच्छी बात है, इसलिए आप हमारे जीवन में भी हाँ प्रभु यीशु मसीह का जीवन होना चाहिए। हाँ ये एक पद को पढ़ेंगे, ये तो दूसरा कुरिन्थियों किताब, दूसरा कुरिन्थियों किताब चार अध्याय का दस पद, हम यीशु की नीतियों को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं, फिरते कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। हाँ देखो तो ऑलवेज बेयरिंग अबाउट इन द बॉडी द डाइंग ऑफ द लॉर्ड जीसस, death, the life also of Jesus Christ, Jesus might be made manifest in our body. हमारे जीवन में क्या हो, प्रकट हो, हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह को लेके हमको क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह का जीवन है कि नहीं। आज प्रभु यीशु मसीह का जीवन बने से हम सबको पता है, प्रभु ने एक गाल में मारो तो दूसरा गाल में भी दो बोल के बोल, हम दे सकता है हाँ, एक गाल में देने से तो हो गया, हाथ ऐसा करेगा, बॉक्सिंग रेडी करेगा, इसका तो दांत अभी टूटा दूंगे, है कि नहीं। प्रभु बोलते एक गाले मार से, गाली का साटे में गाली, हाँ है कि नहीं। प्रभु यीशु मसीह का जीवन ये प्रभु यीशु मसीह का जीवन है ना, दुश्मन को प्रेम करो, हाँ है कि नहीं। प्रभु यीशु मसीह का जीवन, प्रभु यीशु मसीह का जीवन के विषय में हम लोग बाइबल में प्रशस्त मात्रा हम लोग पाते, ऐसा जीवन हम लोग जी सकते हैं। हम लोग को कितना कठिन होता है, हम लोग को कोई कुछ बोल दे तो उससे हम लोग बात ही नहीं करेगा। आज मंडली में हम लोग ऐसा देखते हैं, हाथ उठा के एक रोटी से, एक कचरा से पीते, रोटी से खाते, लेकिन परस्पर में बात भी नहीं होता है, फोन से कांटेक्ट भी नहीं होता है, परस्पर में जय मिश्र भी नहीं बोलते, इतना अंदर में क्या होता है, कठोर होते जाते, ऐसा नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का जीवन आज हम लोग का जीवन होना चाहिए। इसलिए गधे के ऊपर में प्रभु चढ़ गया, इसे क्या दिखाता है, द लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह का जीवन को दिखाता है। हमारे जीवन में जो प्रभु आएगा हम लोग क्या हो जाएगा, प्रभु यीशु मसीह का जैसा हम लोग का स्वभाव हो जाएगा, है कि नहीं। ये बात है। और पांचवा बात, प्रभु हम जब आदर करते हैं तो प्रभु भी हम लोग क्या करता है, आदर करता है। जब ये पांच बातें हम लोग जीवन में होता है ना, तब प्रभु क्या बोलता है, थम देता हम लोग, गुड मेरा बेटी ऐसा करता है, कोई दूध खाता है, खाना खा, पेट भर लेता है ना, ऐसा करता है मेरा बेटी, ऐसा कर, मतलब हो गया ठीक है, है कि नहीं। इस कारण प्रभु भी चाहता है कि आज उसके सेवा के लिए जवानी अवस्था में आज ये युवा बुकना कितना असल है, आज प्रभु ढूंढ रहा है कि नहीं, प्रभु क्या आह्वान कर रहा है। इसलिए ये थीम को पढ़ेंगे और वचन हम यहाँ पर रखेंगे। आइए मिलाप की किताब 3:27, मिलाप की किताब 3:27 हम सब मिलके पढ़ेंगे और वचन को यहीं पर हम रखेंगे, सबको मिला होगा, हम शुरू करें। इट इज गुड फॉर अ मैन दैट ही बियर द योग इन हिज यूथ। सो प्रभु हम सबको वचन पढ़ाई में आशीष दे, जब वचन सुना और हम लोग निर्णय करना है, और हम लोग भी प्रभु का सेवा के लिए हम क्या होना है, प्रभु में समर्पित और तैयारी होना है। प्रभु हम सबको आशीष दे। अभी प्रार्थना करने से पहले हम एक हिंदी गीत गाएंगे।